महाराष्ट्र का पुणे इन दिनों गलत कारणों को लेकर चर्चा में बना हुआ है। यहां आए दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कभी हिट एंड रन तो कभी फायरिंग को लेकर चर्चा में रहने वाला पुणे अब दिल्ली के निर्भया कांड जैसी खबर को लेकर चर्चा में है, जहां एक महिला अपने दोस्त के साथ घूमने निकली थी तो उसी वक्त 3 लड़कों ने महिला के दोस्त के साथ पहले मारपीट की और फिर महिला के साथ बारी बारी से बलात्कार किया, जिसके बाद एक बार फिर से पुणे की कानून व्यवस्था और अपराधियों में पुलिस के डर के खत्म होने का सवाल उठने लगा है। क्या है पुणे से आई शर्मसार कर देने वाली ये घटना, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सुन कनौजिया। 3 अक्टूबर से नवरात्रि का पावन त्योहार शुरू हो चुका है। नवरात्रि में देवी की पूजा करते हैं और महिला शक्ति की बात करते हैं, लेकिन इसी नवरात्रि के पहले ही दिन महाराष्ट्र के पुणे से एक महिला के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 3 अक्टूबर की रात 11 बजे पीड़ित लड़की और उसका दोस्त बोबदेव घाट घूमने गया था। उसी वक्त 3 लड़के वहां आ गए और इन लोगों ने पहले तो लड़की के मित्र की पिटाई की और उसे कपड़े से बांध दिया और फिर लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार किया, जिसके बाद पीड़ित लड़की सुबह करीब 5 बजे पुलिस स्टेशन पहुंची और अज्ञात लड़कों के खिलाफ उसने मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने अब आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 लोगों की अलग अलग टीम बनाई है। इंसिडेंट ऑफ रेप हैज बीन रिपोर्टेड इन कोंडवा पुलिस स्टेशन वेयर यस्टरडे नाइट वन एरिया कॉल्ड बोबदेव घाट वेयर द विक्टिम गर्ल एंड हिज फ्रेंड had gone for walking and there 3 unknown persons approached them and did this incident of sexual abuse. पुणे पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की और उसका दोस्त दोनों कॉलेज स्टूडेंट हैं। पीड़ित लड़की जलगांव की रहने वाली है जबकि उसका दोस्त सूरत का रहने वाला है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और रात के वक्त वो दोनों घूमने गए थे। उसी वक्त सुनसान जगह पर 3 लड़कों ने उन्हें घेर लिया। उन तीनों ने पहले मारपीट की और उसके बाद लड़की के साथ गैंगरेप किया। पुणे पुलिस और क्राइम ब्रांच की कई टीमें आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। पुणे और आसपास के इलाकों में छापेमारी भी पुलिस की तरफ से की जा रही है और आरोपियों के स्केच भी बनाए गए हैं। गैंगरेप की इस घटना पर सुप्रिया सुले ने चिंता जाहिर की है। सुप्रिया सुले ने पुणे की घटना के बाद महिला सुरक्षा का सवाल उठाया है। रोज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हर तरह से फेल हो रहा है, भले महिलाओं की सुरक्षितता हो, ड्रग्स हो, हिट एंड रन की केस हो, कोयता गैंग हो। आप देख रहे रोज पूना, मैं बड़ी दुख के साथ ये कह रही हूँ कि पूना आज महाराष्ट्र का क्राइम कैपिटल हो रहा है। मुझे बहुत बहुत चिंता और मैं बहुत ही अस्वस्थ हूँ कि मेरे भी निर्वाचन क्षेत्र पूना शहर में इस देश से लोग आते हैं क्योंकि उनको विश्वास है कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची, बेटा या बेटी हो, अगर पूना में पढ़ रहे हैं वो सुरक्षित है, वहाँ ड्रग्स नहीं है और बहुत अच्छी शिक्षा और संस्कार। ये शहर बड़ा संस्कारी है और ऐसे पुणे शहर में ऐसी घटनाएं हो रही है, महाराष्ट्र में ये घटनाएं बढ़ी जा रही है, ये पूरा फेलियर ये महाराष्ट्र के ट्रिपल इंजन सरकार का है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव के पहले महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कानून और पुलिस को लेकर अपराधियों में खत्म होता हुआ डर, ये मुद्दा जो विपक्ष है वो उठाने में कोई भी देरी नहीं कर रहा है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो पिछले कुछ वक्त से पुणे से ऐसी ऐसी खबरें सामने आई है जिसमें जो कानून व्यवस्था है उसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है। इस पूरे मामले को लेकर और पुणे की कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।